नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को यानी कि आज कई राज्यों के पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। खेल की दुनिया से बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को पद्म भूषण और फिल्मी दुनिया से कंगना रनौत और गायक अदनान सामी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इस बार दो सालों के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसमें साल 2020 के लिए आज 141 लोगों को और 2021 के लिए मंगलवार को 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। वहीं साल 2020 के लिए पद्म विभूषण से 7, पद्म भूषण से 16 लोगों और पद्मश्री से 118 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। पुरस्कार पाने वालों में 29 महिलाएं, 16 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता और 1 ट्रांसजेंडर पुरस्कार विजेता है। साल 2021 के पद्म पुरस्कारों की लिस्ट में सबसे बड़े पद्म विभूषण पुरस्कार से 7 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पद्म भूषण से 10 लोगों को और पद्मश्री से 102 लोगों को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह आयोजित किया गया है। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी संगीता जेटली को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अवार्ड सौंपा। सुषमा स्वराज और जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कला के लिए पंडित छन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वहीं खेल के लिए मणिपुर की मैरीकॉम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अदनान सामी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक्ट्रेस कंगना रनौत को पद्मश्री से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया। हालांकि हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन के साथ। धन्यवाद।